हेलो स्प्रिंस, आप सभी का स्वागत है निलस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो इंडिया के हैं। सो वील सी वाई न्यूज, देन वील सी अबाउट द पीएम मिशन ऑन दिस ग्रुप, देन हु आर दीज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, देन वील सी व्हाट वाज देबार कमीशन, देन इनका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में कहाँ कहाँ कैसे कैसे है, किस स्टेट में कौन कौन से ट्राइब्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या हैं ट्राइबल पीपल के लिए इंडिया में। After that, we'll be covering our today's prelims practice question. So let's start. Why news? Finance Minister ने announce किया था एक नई scheme को Union Budget 2023-24 में, जो कि प्रधानमंत्री particularly vulnerable tribal groups development mission था। अब about this mission, so it was released as per the part of reaching the last mile. जो सप्तऋषि हैं यूनियन बजट के, उसमें से एक है रीचिंग द लास्ट माइल, तो ये उसका एक पार्ट है। ये जो मिशन है, इट विल सैचुरेट द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ग्रुप्स, इन सबको सेफ हाउसिंग्स दी जाएगी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर दिया जाएगा, एजुकेशन है, न्यूट्रिशन हो गया, रोड एंड टेलीकॉम कनेक्शन हो गया, लिवलीहुड वगैरह हो गया। और इसके लिए जो बजट एलोकेट हुआ है वो 15,000 करोड़ का हुआ है, जो आने वाले 3 सालों में फुल्ली इस मिशन के लिए डेडिकेटेड रहेगा। ये लगभग 3.5 लाख ट्राइबल्स को बेनिफिट करेगी स्कीम। सो अब इसका जो एम है वो बेसिक फैसिलिटीज देने के लिए, हम ऑलरेडी देख चुके हैं जैसे हाउसिंग, वाटर एंड ऑल। सो ये जो स्कीम है, ये स्ट्रैटेजिक अप्रोच को फॉलो करती है, जो कि वन बंधु कल्याण योजना है। वन बंधु कल्याण योजना एक नीड बेस्ड योजना है, और इसका जो एम होता है वो स्पेसिफिक आउटकम्स का होता है। मोर ओवर, इट फोकसेस ऑन ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ताकि उनका ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन हो सके वेरियस प्रोग्राम्स के अंडर, और स्पेसिफिक उसके आउटकम्स हो सके जिनका बेनिफिट ट्राइबल पीपल को हो। ये रीचिंग द लास्ट माइल का है यूनियन बजट 2023 का। सो दिस इज टू बी लॉन्च, फाइनेंशियल असिस्टेंस इसमें दिया जाएगा फॉर सस्टेनेबल माइक्रो इरिगेशन इन ड्रॉट प्रोन रीजन ऑफ द कर्नाटका एज वेल। 3,3,800 मोर टीचर्स वुड बी देयर फॉर 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स। एकलव्य मॉडल फोकस करते हैं ट्राइबल एरियाज पर। फ्री फूड ग्रेन दिया जाएगा सारे अंत्योदय अन्न योजना वालों को, एंड अंडर दिस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। देन भारत श्री था, ये सब रीचिंग द लास्ट माइल के अंडर हुआ था। इसके बाद पीएम आवास योजना को 66% से एनहांस किया जाएगा। पर्टिकुलरली वनरेबल ग्रुप्स, ये मोर वनरेबल ग्रुप्स होते हैं अमंग द ट्राइबल ग्रुप्स इटसेल्फ, और इनको ज्यादा नीड है सपोर्ट की और डेवलपमेंट की, ज्यादा फोकस की आवश्यकता पड़ती है। 705 शेड्यूल ट्राइब्स में से 75 जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है दीज पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के अंडर, और ये 17 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के अक्रॉस स्प्रेड हैं, एंड वन यूनियन टेरिटरी इज देयर एंड 17 स्टेट्स आर देयर। देयर आर सर्टेन ट्राइबल कम्युनिटीज जो डिक्लाइन कर रही है, उनकी पॉपुलेशन स्टेगनेंट है, वहां लो लेवल ऑफ लिटरेसी है, प्री एग्रीकल्चर लेवल टेक्नोलॉजी आज भी वो यूज करते हैं, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली बैकवर्ड ये लोग होते हैं। जनरली ये रिमोट लोकेलिटीज में रहते हैं, जहां का पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट बहुत कम होता है। जनरली बॉर्डर एरियाज पे ये रहेंगे स्टेट्स के, जहां ये चीजें होती हैं। दीज ग्रुप्स आर अमंग द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, एज दे आर वेरी फ्यू इन नंबर, एंड ऑल्सो दे हैव नॉट अटेन्ड एनी सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। इन इंडिया ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो 8.6% टोटल पॉपुलेशन के अंडर बनाती है। 1973 में एक देबार कमीशन हुआ था, जिसने प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स क्रिएट किए थे एक सेपरेट कैटेगरी, वहां ट्राइबल ग्रुप में से अलग, जो कि थोड़े लेस डेवलप्ड थे। 2006 में गवर्नमेंट ने इसको रीनेम करके पीवीटीजीज कर दिया। इन दिस कॉन्टेक्स्ट 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इट इनिशिएटेड टू आइडेंटिफाई द मोस्ट वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स एज अ सेपरेट कैटेगरीज, व्हिच वाज कॉल्ड दिस पीवीटीजीज, और 52 सच ग्रुप्स वर डिक्लेयर्ड। देन अगेन 1993 में एडिशनली 23 ग्रुप्स ऐड हुए, सो 52 प्लस 23 गोज टू 75 ग्रुप्स आर देयर आउट ऑफ 705 शेड्यूल ट्राइब्स। अब क्राइटेरिया क्या है कंसिडर करने का, तो ये प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज करते हैं पुराने सिस्टम्स, देन लो लेवल ऑफ लिटरेसी है इन लोगों के अमंग, इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड होते हैं, छोटी छोटी चीजें नहीं होती, डिक्लाइनिंग और स्टेगनेंट पॉपुलेशन इज देयर, वुमेन का भी यहाँ काफी प्रॉब्लम रहता है। देन डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, सो आंध्र प्रदेश में बोडो गाबादा, बोडो पुजारा, देन चेंजू, डोंगरी कॉन्ड्स, ये सारे ट्राइब्स हैं।
झारखंड में असुर्स हैं, भिरहोर है, बिरजा है, हिल खारिया है, देन गुजरात में खटोड़ी एंड ऑल सिद्धी, कर्नाटका में जेनू कोरबा कोरागा, केरला में आपको कदार कुरुम्बास कोरागा, मध्य प्रदेश की 2011 सेंसस के हिसाब से मैक्सिमम ट्राइबल्स मध्य प्रदेश में मिलते हैं, तो यहाँ अंबुज माक्यास है, देन बैगाज है, भारियाज है, ये सारे हैं। महाराष्ट्र में कथीकराई है, देन आपका कोलम है। तो यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन जस्ट लुक क्लोजली टुवर्ड्स दिस, मतलब आप कुछ याद कर सकते हैं रेफरेंस के लिए। मणिपुर में मरम नागाज हो जाएंगे, उड़ीसा में बिहोर बोंडो ये सारे हैं, राजस्थान में सिहारियास हैं, तमिलनाडु में कोटाज हैं, इरुलाज एंड ऑल हैं, देन आपका त्रिपुरा में रियांग्स हैं, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बक्साज और रज्जीज आपको मिलेंगे, अंडमान का जो ग्रेट अंडमानीज हैं ये सबसे कम, पीवीटीजीज में भी सबसे कम में ये आते हैं, सेंटेनरीज आते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स अगर हम देखेंगे स्पेशली इस ग्रुप के लिए और ट्राइबल लोगों के लिए, सो एज अ डेवलपमेंटल इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है ये एडमिनिस्ट्रेट करती है डेवलपमेंट ऑफ स्पेशली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स स्कीम को, जो कि केवल पीवीटीजी ट्राइब्स के लिए होती है, और इसका जो इंटेंशन है दैट इज टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट फॉर द सोशियो इकोनॉमिक बेटरमेंट ऑफ द दीज प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। एडिशनली इनको प्रेफरेंस दिया जाता है स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस के अंडर टू द ट्राइबल सब स्कीम, देन आर्टिकल 75 जो इंडियन 275 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसमें ग्रांट्स दिए जाते हैं उसके अंडर इनको प्रेफरेंस दी जाती है। ग्रांट्स इन एड दिए जाते हैं उन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को जो इनके वेलफेयर के लिए वर्क करती हैं, या फिर जो जो एससी गर्ल्स हैं उनके एजुकेशन के लिए वर्क करती हैं, लो लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट्स में काम करती हैं, इन सब चीज़ों के लिए। अब और अगर हम कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें, तो ये भारत का काफ़ी सौभाग्य है कि हमारी जो प्रेसिडेंट हैं वो भी एक ट्राइबल रीजन से उठ के आती हैं। देन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, ट्राइफेड है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्कूल्स हैं, डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, प्रधानमंत्री वंदन योजना है, तो ये सारी जो स्कीम्स हैं स्पेसिफिकली ट्राइबल लोगों के इंप्रूवमेंट के लिए हैं। नाउ लेट्स डिस्कस आवर टुडेज प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया। दीज पीवीटीजीज रिसाइड इन 18 स्टेट्स एंड वन यूनियन टेरिटरी, 18 स्टेट्स 17 स्टेट्स इट कैन बी मैनेजेबल। अ स्टेग्नेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द पीवीटीजी स्टेटस। Then there are 95 PVTGs officially notified in the country so far. Irular and Kondareddy tribes are included in the list of the PVTGs. Which of the statements given above is are correct? You can type the correct answer in the comment section. This is your option A, B, C, and D. This was all about today's UDN session. Thank you. Have a nice day and stay tuned within List IAS for your better preparation.